नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप और इस वक्त पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है और वो कोहराम कहीं और नहीं रूस और यूक्रेन की लड़ाई को लेकर है। यूक्रेन में इस वक्त हाहाकार है, लोग संकट में है इस वक्त यूक्रेन के, और यूक्रेन में इस वक्त कई भारतीय फंसे हुए हैं, हजारों की तादाद में भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं, और उन हजारों फंसे हुए लोगों में सबसे ज्यादा संख्या अगर किसी की है तो वो है छात्रों की, क्योंकि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई के लिए भारतीय छात्र काफी बड़ी संख्या में जाते हैं। तो आज हमारे साथ कुछ यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्र जुड़े हैं, तो आज हम उनसे जानेंगे कि वहां की स्थिति इस समय क्या है, वहां के मौजूदा हालात क्या हैं, और उन छात्रों को वहां से निकलने में कितनी कठिनाइयां हो रही हैं और वहां उनको क्या क्या परेशानियां हो रही हैं। तो हमारे साथ दिव्यम तिवारी, प्रदीप दुबे, अनुज पाल, विशाल श्रीवास्तव, शिवम मित्तल और तुषार निगम जी जुड़े हैं, जो कि सभी लोग वहां पढ़ाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले दिव्यम तिवारी जी, आप इस वक्त यूक्रेन के किस हिस्से में हैं और वहां के हालात कैसे हैं, और आप ठीक हैं या नहीं, क्या आपको दिक्कतें हैं इस वक्त? अभी फिलहाल हम लोग डिनेप्रोपेत्रोवस्क में हैं, जो कि ईस्टर्न साइड में पड़ता है, और जो कीव जो कैपिटल है उससे अप्रोक्सीमेट 500 किलोमीटर दूर है। और हम जब एयर रेड हुई थी रशिया की, तो यहाँ पर भी बम्बार्डमेंट हुई थी, और जैसे कि यहाँ के एयरपोर्ट में के रनवे को डिस्ट्रॉय किया गया था। और हम लोग फिलहाल तो सेफ हैं, अभी कोई रशियन मिलिट्री नहीं आई है यहाँ पर, लेकिन जैसे कि हम लोग पास कैश की कमी पड़ रही है, बैंक में नहीं है कैश, एटीएम भी नहीं है, और डॉलर एक्सचेंज सेंटर्स में डॉलर नहीं एक्सचेंज हो रहा है, और जो सुपर मार्केट्स हैं वो भी हम लोगों का कार्ड नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरे देश के नागरिक हैं और दो अन्य देशों के बीच में इस समय युद्ध छिड़ा हुआ है, तो आपको एक बाहरी होने के नाते कितना डर आपके मन में है? डर तो बहुत है। पहले तो हम लोगों को ये नहीं पता कि हम लोग वापस जा पाएंगे घर की नहीं, कोई हम लोगों को कोई अभी कोई प्लान कुछ पता नहीं है क्या होगा। फिलहाल हम लोग तो सिर्फ फंसे हुए हैं, बाहर निकल नहीं सकते, और खुद से भी कुछ नहीं कर सकते, सब गवर्नमेंट पर है। क्या करती है इंडियन गवर्नमेंट जैसे कि रेस्क्यू ऑपरेशन चला ही रही है, लेकिन वहां के दूतावास, वहां जो भारतीय दूतावास है, उससे आपको संपर्क करने में कोई कठिनाइयां हो रही है क्या? कठिनाइयां नहीं हो रही, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं मिल रहा हम लोगों को, जैसे कि मतलब कोई एग्जैक्ट प्लान, कुछ कोई मिशन है कि नहीं है, कुछ ऐसा एग्जैक्टली हम लोगों को नहीं मिल रहा है। एडवाइजरी रिलीज कर रहे हैं। प्रदीप दुबे जी, आप इस वक्त किस शहर में हैं और क्या पढ़ाई कर रहे थे वहां पर यूक्रेन में? जी, मैं डिनेप्रोपेत्रोवस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ। यहाँ पे अभी हालात थोड़ा सा नॉर्मल है एज पर आवर डीन, पर इन्होंने यही बोला है कि 1 बजे सायरन बजेगा, इफ ये सायरन कंटिन्यूअस है तो आपको कर्फ्यू में जाना पड़ेगा, अगर ये ब्रेक के साथ सायरन बज रहा है तो आप लोग डेंजर में है, तो आप सबको बंकर में जाना पड़ेगा। हम लोग के फ्लैट के नीचे बेसमेंट है, मतलब लगभग सारे फ्लैट के नीचे यहाँ पे होते हैं, तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे सेफ के लिए। बाकी एम्बेसी से बातचीत हम लोग कर रहे हैं, एम्बेसी यही बोल रही है कि आप लोग को हम बताएंगे इन्फॉर्म किया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ इन्फॉर्म नहीं किया गया है। तो क्या भारतीय दूतावास से संपर्क करने में, वहाँ के मौजूदा दूतावास से, जो भारत का दूतावास वहाँ है, उससे संपर्क करने में आपको भी कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? जी, हम लोग को बहुत कठिनाइयां हो रही हैं, हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी हम लोग की हेल्प कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं पूरी कि हाँ हम लोग को ये बात पहुंचाई जाए, तो बस अभी तक पहुंच नहीं पा रही है, कुछ प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं मिल रहा है, बस ये बस हो रहा है कि हाँ आप लोग को भेजा जाएगा वाया हंगरी, पोलैंड और रोमानिया, बट स्टिल अभी कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है। घर वालों से संपर्क कर पा रहे हैं या नहीं? नहीं, घर पे बात हो जा रही है, घर पे कोई दिक्कत नहीं, और हमेशा अपडेट किया जा रहा है। तो अभी तो हम लोग एम्बेसी से एडवाइजरी मिल गई है कि आप लोग को भेजा जाएगा इस बॉर्डर पे, बट फ्रॉम बिकॉज वी आर लिविंग इन द ईस्टर्न पार्ट, वी आर नॉट लिविंग टू द वेस्टर्न पार्ट, सो हम यहाँ से करीब 15 से 20 घंटे का रास्ता है,
1300 किलोमीटर दूर है ईस्ट वेस्टर्न पार्ट बॉर्डर। 1300 किलोमीटर का जो रास्ता है उसे तय करने में उसे तय करने के लिए आपको कोई सेफ्टी, कोई सुरक्षा या कुछ ऐसा मुहैया कराया जाएगा या नहीं? यही कराया जाएगा। अभी अभी तो उन्होंने एम्बेसी ने यही एडवाइज जारी की है कि आप लोग को हम स्पेशल बस कराएंगे और अगर नहीं करा कुछ भी करते हैं आपको इन्फॉर्म किया जाएगा और आपके कॉन्ट्रैक्टर को बोला जाएगा कि आप लोग कैसे भी करके बच्चों को पहुंचाइए और जो भी बस हो या फिर जो भी साधन हो आप उस साधन के पीछे और आगे इंडियन फ्लैग चिपका के रखिए जिससे कि अगर कुछ होता है तो वो देख सकते हैं कि हाँ इंडियन लोग हैं ये। अनुज पाल जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आप इस समय हॉस्टल में हैं या फिर अपने फ्लैट पे रह रहे हैं या अकेले रहते हैं या दोस्तों के साथ रह रहे, कैसे रह रहे हैं? मैम इस समय मैं हॉस्टल में हूँ, हॉस्टल से बाहर निकलने के लिए मना किया गया है जैसा कि यहाँ की गवर्नमेंट ने भी बोला है और मेरे कॉन्ट्रैक्टर ने भी बोला है, एम्बेसी ने भी कहा है कि बाहर निकलना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो हम लोगों को सिर्फ हॉस्टल में रुकने के लिए बोला गया है, क्लासेज भी ऑनलाइन कर दी गई, क्लासेज बिल्कुल नहीं रुकी है, तो क्लासेज से कोई दिक्कत नहीं। बस खाने पीने का बस ये है इशू हुआ था कल, जैसे कि हमने सुबह 5 बजे देखा तो यहाँ पे करीब हमारे हॉस्टल से 2 किलोमीटर दूर पे बमबारी हुई थी, 5 से 6 बार तक बमबारी हुई, तो उसके बाद सारे बच्चे डर गए थे काफी कुछ। तो यहाँ पे जैसे कि सुपरमार्केट होता है खाने पीने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग गए सामान ले आए और कैश निकालने की बात थी तो कैश तो मिल नहीं पाया हम लोगों का, तो वायरस में कार्ड जैसे जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल वहाँ बन गया है, तो क्या खाने पीने के सामान को मिलने में भी कोई दिक्कत आ रही है आप लोगों को? मैम बिल्कुल दिक्कत आ रही है, जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे हम लोगों ने मुश्किल से 4 से 5 दिन का ही इकट्ठा कर पाया था, इसके बाद का हमारे पास कुछ भी नहीं है खाने का, पानी भी यहाँ पे खरीदना पड़ता वो भी यहाँ पे नहीं है, मुश्किल से अगर पानी चलेगा तो 1 सप्ताह ही चल सकता है, इसके बाद क्या होगा हमें खुद नहीं पता है और यहाँ पे कुछ है भी नहीं और बैंक भी बंद कर दी गई है, एटीएम में कोई पैसा नहीं है, कार्ड ले नहीं रहे हैं, तो ये सारी दिक्कतें हो रही, बाहर बिल्कुल सेफ नहीं बताया जा रहा, बोले कि हॉस्टल में रुको। जो आपका हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से खाना पानी आपको सेफ जोन की कोई व्यवस्था दी गई है? मैम खाना पानी तो कुछ नहीं किया गया, बस ये है कि अगर कहते हैं कि अगर सायरन बजता है तो सीधे हमको बंकर में जाना पड़ेगा, सामने हमारे एनेटमी बिल्डिंग है जैसे यूनिवर्सिटी है तो वहां भी बताया जा रहा है वहां भी हम लोग छुप सकते हैं नीचे और हॉस्टल के नीचे भी जा सकते हैं, बंकर बना हुआ है, बस यही है। आपके साथ इस वक्त जिस हॉस्टल में आप हैं वहां कितने भारतीय छात्र हैं? मैम हमारे हॉस्टल में करीबन अभी 50 के आसपास होंगे भारतीय छात्र। तुषार जी, जिस सिटी में अभी आप मौजूद हैं वहाँ पे फिलहाल वहाँ के क्या मौजूदा स्थिति वहाँ पर है, क्या हालात है वहाँ पे अभी? मैम यहाँ की स्थिति अभी मैम बहुत कंफ्यूजन वाली है हम लोग के लिए, क्योंकि मैम अभी तक तो सब नॉर्मल चल रहा था बट कल से जो स्थिति बनी है उसको देखते हुए आगे का मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एम्बेसी से भी हम लोग को जो मदद हो सकती थी वो प्रोवाइड कराई जा रही है बट आज से अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि हम लोग का इवैक्यूएशन प्रोसेस कैसे होगा, क्योंकि जैसा बता रहे हैं कि 1200 किलोमीटर हम लोगों को जाना है बाय रोड, पर बाय रोड जाने के लिए मैम रास्ते में सुरक्षा, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स 300 से 400 के संख्या में है एटलीस्ट, तो रास्ते में क्या हम लोग को सुरक्षा मिलेगी कि नहीं और क्या मैम कुछ खतरा तो नहीं है, ये सब मैम अभी है। अभी यहाँ आप हैं वहाँ 300-400 भारतीय स्टूडेंट्स हैं या कुल 300-400 स्टूडेंट्स हैं या 300-400 भारतीय स्टूडेंट्स हैं? मैम अभी भारतीय स्टूडेंट्स इतने हैं। अच्छा मैम ये एक अप्रोक्स है मैम, एग्जैक्टली तो अभी नहीं पता है कि हम कितने हैं। हाँ। तो वहाँ जो दूतावास, भारतीय दूतावास जो इस समय यूक्रेन में है आपके शहर में या आपके आसपास जो भी भारतीय दूतावास है तो उससे संपर्क करने में मेल आपको समस्या संपर्क करने में नहीं है, बस उनके डायरेक्शन आपको सही नहीं मिल पाए, ये समस्या आप लोगों को है? वो खुद भी क्लियर नहीं है सही से कि क्या उनका एक्शन है या फिर उनको भी इंफॉर्मेशन सही से नहीं मिल रही है। मैंने खुद बात की थी कल भारतीय दूतावास में तो उन्होंने ये कहा था कि आपको तो एडवाइस जारी हो चुकी, आपको चला जाना चाहिए था, तो जब फ्लाइट एयर इंडिया फ्लाइट 24 की चली है और कल एयर स्ट्राइक हुआ है तो उसमें भी फंसे हैं लोग, एडवाइजरी हम लोगों की इतनी लेट रिलीज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से कि
अप्रोक्सीमेट 10 दिन, 10 दिन में अप्रोक्सीमेट, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, 10 दिन अप्रोक्सीमेट पहले एडवाइजर, दो दिन पहले निकली थी एडवाइजर, दो दिन पहले एडवाइजर, एक 20 तारीख एडवाइजर निकली, एक 22 तारीख एडवाइजरी निकली, 22 तारीख वाले एडवाइजरी में उन्होंने बोला कि टेम्परेरी आप छोड़ सकते हैं, ये बोल रहे हैं आप टेम्परेरी छोड़ सकते हैं, और हमारे यूनिवर्सिटी वाले बोल रहे हैं कि आपकी ऑफलाइन चलेगी, इस चक्कर में हम लोग और किया जाए, क्या किया जाए, क्योंकि हम टीचर बोल रहे हैं कि ऑफलाइन क्लास चलेगी, अगर आप जाते हो यहाँ से तो आपकी एब्सेंट लग जाएगी, और दूतावास बोल रहा है कि आप जा सकते हो, इस चीज में हम लोग बहुत कंफ्यूज हुए। उसके बाद भी हम लोगों ने टिकट बुक की, हम लोग की टिकट आज की थी 25 तारीख की, पर कैंसिल हो गई। तो आपके आसपास जो भी रनवेज हैं, उन रनवेज, सारे रनवेज पे इन्होंने स्ट्राइक कर दिया है। हमारे यहाँ पे कल सुबह 5 बजे 3 बॉम्ब गिरे, तो जो यहाँ का एयरबेस है, मिलिट्री बेस है, सारे पे उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, तो रनवेज अब यहाँ कोई भी नहीं चल रही है। तो आपके आपको ले जाने का या आपको एयरलिफ्ट करने का कोई भी रास्ता दूतावास भी नहीं बता पा रहा है? अगर यहाँ से एयरलिफ्ट हो सकता है तो बस वो हेलीकॉप्टर से हो सकता है, बाकी बस हम लोग बस से ही जा सकते हैं बॉर्डर तक, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आप सभी लोग ये चीज बोल रहे हैं कि दूतावास की तरफ से कोई सही क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा है, सही तरीके से हमें डायरेक्शन नहीं दिया जा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसको लेकर भारत में, हमारे माध्यम से आप भारतीय सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैम, भारतीय सरकार से यही चाहेंगे कि मैम हम लोगों को पहले एक सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए, जहाँ पे एटलीस्ट हमारे परिवार वालों को हमारी चिंता कम हो, क्योंकि मैम वो दूर हैं, और एटलीस्ट हम लोगों को जल्द से जल्द ये बता दिया जाए कि हम लोग कैसे अपने बॉर्डर यहाँ से अपने देश वापस लौटेंगे, क्योंकि मैम जितना ये ज्यादा देर हो गई उतनी और पैनिक की सिचुएशन यहाँ स्टूडेंट्स में बढ़ती जाएगी, क्योंकि मैम सब अकेले ही हैं यहाँ पर, और इस प्रकार से मैम सबको, क्योंकि कुछ फर्स्ट ईयर के भी स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार आए हैं। मैम इस वक्त जिस शहर में आप हैं वहाँ के हालात क्या है? जी, यहाँ पे हालात जो है अभी तो ठीक है वैसे, बाकी सिटीज से कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे अभी रशियन आर्मी ने एंट्री भी नहीं करी है, तो जिस क्योंकि बाकी सिटीज में तो, वो कौन सा इलाका लगता है, क्या वो शहर है? जी, ये शहर है, इस शहर का नाम है डिनिप्रो। तो आपके हॉस्टल के आसपास कोई ऐसी गतिविधि, जैसे अनुज पाल ने बताया, कुछ इस तरीके का भयानक कोई ऐसा अटैक या कुछ? जी, कल सुबह हुआ था करीब 5:30 बजे कि हमारे हॉस्टल के ऊपर से जो है फाइटर जेट्स निकल रहे थे, बहुत तेजी से आवाज आ रही थी उनकी, और फिर कुछ थोड़ी देर बाद उसके 2 से 3 ब्लास्ट हुए थे जिसकी आवाज हमने सुनी। दूतावास तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं या दूतावास आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? जी, दूतावास से संपर्क करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन प्रॉब्लम ये है वो क्लियर बता नहीं रहे वो करने के हवाले, उनका क्या प्लान है हम लोग को निकालने के लिए, बस वो एक एडवाइजरी जारी कर दे रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है प्लान चालू कर रखा है आपके लिए, बाय लैंड वो निकालेंगे, इवैक्यूएट करेंगे सभी को, बट कैसे करेंगे अभी ये नहीं बताया, क्योंकि जो हमारी सिटी है वो काफी दूर है बॉर्डर से, तो बॉर्डर तक हम लोग को कैसे ले जाएंगे, क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, तो ये बहुत बड़ा रीजन है, और हम अपने तरफ से जा नहीं सकते बॉर्डर की तरफ, क्योंकि कोई ट्रांसपोर्टेशन अभी अवेलेबल नहीं है, ना ट्रेन, ना बसेस, और टैक्सी भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं है, तो सारा एम्बेसी को ही देखना पड़ेगा कि हम लोग को कैसे पहुंचाते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि भारत सरकार अब आपकी मदद करने के लिए, अगर आप लोग हमारे माध्यम से सरकार से कोई गुहार लगाना चाहें तो आप लोग एक एक कर बताएं कि आप लोग की क्या, आप लोगों को लगता है कि किस चीज में सुधार की जरूरत है वहां फंसे भारतीय स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ सरकार क्या किन चीजों पे काम करे? जी, जैसे बहुत से भारतीय हैं जिनके पास अभी खाने की प्रॉब्लम है, तो पहले उसको सॉल्व करें, क्योंकि इवैक्यूएशन एक दिन में तो होगा नहीं, उसके लिए टाइम लगेगा, तो सबसे पहले कि जो जिनके पास फूड अवेलेबल नहीं है उनके लिए फूड अवेलेबल कराएं, और सबको एक सेफ जगह पहुंचा दें ताकि कोई भी दिक्कत ना हो किसी भी सिटीज में, और भी सिटीज में बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं, कुछ एयरपोर्ट में फंसे हुए थे, तो उनको भी सेफ जगह पहुंचाया जाए, तो यही चाहेंगे सबसे पहले जो है लोगों की सेफ्टी और फूड का क्राइसिस जो है यहाँ पे उसको मैनेज करें। हम अभी यही कहना चाहेंगे कि कुछ लोग मैम हमारे स्टूडेंट साथी कीव में एम्बेसी में फंसे हुए हैं, और उनको
दिक्कत हो रही है मैम, वहाँ पे उनको खाना वगैरह प्रोवाइड नहीं हो रहा है। कल से मैम वो, कल की उनकी फ्लाइट थी बट जैसा कि एयर स्ट्राइक हो गई तो फ्लाइट्स वगैरह सब कैंसिल हैं। मैम उनको एम्बेसी ने पहुंचा तो दिया है जगहों पे बट मैम उनके खाने का इंतजाम नहीं, और मैम यहाँ पे ठंड भी इतनी ज्यादा होती है कि उन जगहों को थोड़ा सा सिक्योर कर दें, और उनको एटलीस्ट जो है बेसिक नेसेसिटी जो होती है बहुत ही बेसिक वो एटलीस्ट प्रोवाइड हो जाए तो अच्छा ही होगा मैम उनके लिए। क्योंकि हम लोग तो मैम हॉस्टल्स में हैं, एटलीस्ट हमारे पास है सब अवेलेबिलिटी थोड़ी बहुत जितनी भी है, बट वो बिल्कुल ही दूर हैं अपने शहरों से भी अपने, और एक ऐसे अनजान जगह पर बैठे हैं, तो उनको थोड़ा सा मदद हो जाए आपके माध्यम से तो अच्छा रहेगा। सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आपको वहां से निकालने के लिए क्या करे भारतीय सरकार? सरकार से बस यही है, जितनी जल्दी हो सके हम लोगों को रेस्क्यू करा जाए, इवैक्यूएट कर सकते हैं जो भी प्रोबेबिलिटी है उनकी वो करें। और सबसे पहले तो हम लोगों को कोई प्लान है जो कुछ भी है वो हम लोगों को प्रोवाइड किया जाए, कि हम लोग थोड़ा सा एक नॉर्मल हो, पैनिक जो अंदर हम लोग एंजाइटी में हैं जो है नॉर्मल हो सिचुएशन हम लोगों के सामने, हम लोग कुछ समझ में आए कि हम लोग इवन जा भी पा रहे हैं कि नहीं, कि मतलब यही है कि हम लोग इसी ख्याल में हैं कि अब आएगा कि अब आएगा, एक एग्जैक्ट डेट या फिर टाइम कुछ हम लोग प्रोवाइड किया जाए। मेरी सरकार से बस यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द हम लोग को यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, किसी भी बॉर्डर के थ्रू किया जाए, बस कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ कितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी हम लोग को यहाँ से निकाल लें। सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों के सामने जो जहां तक आप लोगों से बात करके मुझे पता चला है वो ये है कि आपके सामने करेंसी की सबसे बड़ी दिक्कत है इस वक्त, पैसे पैसों की सबसे बड़ी दिक्कत है आप लोगों को। यस मैम, सबसे बड़ी यहाँ पे पैसों की दिक्कत है क्योंकि कैश निकल नहीं पा रहा, और किसी भी स्टूडेंट के पास ज्यादा से ज्यादा अगर है तो 500 ग्रीवन्स तक की है जो कि यहाँ की करेंसी है, इससे ऊपर किसी के पास नहीं है, और कार्ड भी बहुत जगह नहीं ले रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे हम लोगों को। ऐसा ही चलता रहा तो मुश्किल से 4 से 5 दिन तक ही चलेगा, इसके बाद दिक्कत चालू हो जाएगी खाने की। रूस से भारत के संबंध अच्छे हैं तो क्या इस लिहाज से किसी तरह का कोई विरोध या किसी तरह की कोई नफरत या किसी तरह का ऐसा कोई सामना भारतीय स्टूडेंट्स को या भारत के जो लोग वहां फंसे उन्हें करना पड़ रहा है? जी, नहीं, अभी ऐसा तक कुछ तो नहीं, ऐसा अभी कुछ हम लोग देखने को फेस नहीं कर मिला रहे है, हैं। क्योंकि सभी लोग पैनिक में हैं जो हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर किसी को हेल्प चाहिए तो कर रहे हैं, वो लोग भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम जी भी यहाँ यूक्रेन के साथ स्टैंड कर रहे हैं क्योंकि ये भी गरीब देश है, साथ में हम चाहते हैं कि इसके साथ स्टैंड करें, क्योंकि ना नाटो इनकी हेल्प कर रहा है ना अमेरिका इनकी हेल्प कर रहा है, तो इसलिए ये भी हम लोग के साथ के हैं और हमारे ये दोस्त हैं अच्छे खासे, यहाँ पे हमारे यूक्रेनी अच्छे दोस्त हैं, तो हम हमेशा इनके साथ ही रहेंगे। कहते हैं ना, जहाँ रहने लगते हैं उस जगह से लगाव हो जाता है, तो काफी आप लोग वहां से पढ़ रहे हैं जी तो आपको कहीं ना कहीं आपकी यादें होंगी यूक्रेन में, किसी शहर से, यूक्रेन की किसी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, तो उस तरह से आप लोगों को जब आप यूक्रेन को आज इस स्थिति में देख रहे हैं आप लोग क्या कहना चाहेंगे उस पर? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि कभी ऐसी सिचुएशन ही नहीं हुई 2014 के बाद से। और मेरे जो दोस्त हैं यहाँ के उनसे भी हम बात करते रहते हैं, वो बहुत हम लोग क्लोज रहते हैं, हर फ्राइडे मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, कभी ऐसी नौबत नहीं आई। ये सब कुछ अचानक से कब हो गया, कैसे हो गया, किसी को पता भी नहीं चल पाया, और हम सब के सब शौक, किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं। जी यादें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जब यही है जिस कॉलेज में हम पढ़ते हैं, मान लीजिए हम तो कल को इवेक्युएट हो जाएंगे अगर यहाँ पे सिटी में होता है ब्लास्ट हुए तो बिल्डिंग डिजास्टर कोलेटरल डैमेज होगा, उसमें बहुत सारे लोगों की जाने जाएंगे जिनको हम जाते, शायद उसमें से कोई हो तो बुरा लगेगा, पर अभी भी लग रहा है जिस हिसाब से अभी चालू हो गया कई सिटीज में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है और कोलेटरल डैमेज हो रहा है, और आप सिटीज के अंदर टैंक देख सकते हैं चलते हुए, तो बहुत ही मतलब भयानक कंडीशन है एक तरह से कुछ सिटीज में, खास करके कीव और आपको लुगांस और डोनेस के एरिया में देखा जा रहा है, जो यहाँ की गवर्नमेंट ने भी हाँ अभी जी, अनाउंसमेंट किया है कि गोरिल्ला वॉर के लिए सब लोग प्रिपेयर हो जाएं, कि जो भी ज्वाइन करना चाहता है इनकी आर्मी वो ज्वाइन कर सकता है, एज रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया और आप आइए कंट्री को बचाइए आकर।
यूक्रेन की यूक्रेन के लोगों के लिए जो इस वक्त आप लोग तो कहीं ना कहीं यूक्रेन में रहते हुए सब झेल ही रहे हैं, पर एक भरोसा रखिए, भारत आपको निकाल ही लेगा, सरकार आपको निकाल ही लेगी। पर जो लोग यूक्रेन में हैं और उन्हें उनके पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है कहीं बाहर जाने का, उन यूक्रेनियंस के लिए आप लोग क्या कहेंगे, क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए भी पोलैंड का बॉर्डर खुला हुआ है और मैं तो बस यही चाहूंगा कि इनमें से जो हमारे करीबी हैं इनको कुछ भी ना हो, वो बचे ही रहे, उनको कुछ भी ना हो और जल्द से जल्द ये वॉर खत्म ही हो जाए तो ही ज्यादा बेटर रहेगा। हम उनके लिए बस यही कहना चाहेंगे कि मैम अपनी सुरक्षा के करते रहें और अपने देश को जो है सपोर्ट करते रहें, क्योंकि इस समय उनके देश को उन्हीं सिटीजन्स की जरूरत है और यही चाहेंगे कि किसी को भी मैम कुछ ना ही हो, क्योंकि किसी भी जिसको हम नहीं भी जानते हैं अगर उसकी भी जान जाती है तो अच्छा नहीं लगता। सभी की जानें इम्पोर्टेंट हैं और चाहे तो वो सेफ जगहों पे ही छुप जाए या हो सके तो कुछ समय के लिए इस देश को छोड़ दें जहां पे उनको लगे वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, यही मैम संदेश रहेगा। तो ये हमारे साथ कुछ मेडिकल के छात्र थे जो कि यूक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और इस वक्त उनके सामने सबसे बड़ा संकट जो खड़ा हुआ है वो है खाना और अपने आप को कैसे सेफ बचाकर रखना है, अपना बचाव कैसे करना है, ये सबसे बड़ा संकट उनके सामने खड़ा हुआ है। और अगर उनको दिक्कतें कुछ सामने आ रही हैं तो वो दिक्कत ये है कि वहां के भारतीय दूतावास से संपर्क तो हो रहा है लेकिन संपर्क के बाद ये नहीं पता चल पा रहा है कि उनको वहां से निकालने का तरीका क्या है, कैसे उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा, कैसे भारत सरकार उन्हें बाहर निकालेगी। तो इस समय एक भय और कंफ्यूजन की स्थिति इन छात्रों के सामने बनी हुई है और कहीं ना कहीं ये छात्र इस उम्मीद में है कि आज नहीं तो कल भारत सरकार इन्हें उस देश से उस स्थिति से बाहर जरूर निकालेगी। नमस्कार।